नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टेस्टी एंड डिलीशियस कुकिंग में। और आज हम बनाने जा रहे हैं दाल फ्राई। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। आइए बनाते हैं दाल फ्राई। यहाँ पर मैंने एक कटोरी तुअर दाल ली है, इसे अच्छे से साफ किया है, अब इसे धुलेंगे। अब इसे अच्छे से दो तीन बार पानी बदल बदल कर धुल लेंगे। दाल को धुल लिया है हमने, अब इसको उबलने के लिए कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें हम उबलने के लिए पानी डालेंगे, तो पानी आपको आपकी दाल के हिसाब से डालना होगा। मैंने यहाँ पर मेरी दाल का 3 गुना पानी डाला है। चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच घी डालेंगे और 2 पिंच हींग डालेंगे। इन तीनों चीज़ों से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको हींग का स्वाद पसंद ना हो तो हींग को आप स्किप कर सकते हैं। इसको उबलने के लिए गैस पर रखेंगे और 3 सीटी आने तक इसको उबालेंगे। और ये देखिए हमारी दाल उबल कर है तैयार। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। हमने ली है 2 मीडियम साइज की प्याज, 5 से 6 हरी मिर्च और 2-3 टमाटर। 1 चम्मच ऑयल लिया है, यहाँ पे हमने बड़ी चम्मच पर 1 चम्मच राई डालेंगे डालेंगे प्याज डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पर हरी मिर्चियों को डाल दिया है हमने। जब तक हमारी प्याज भुन रही है तब तक मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हम पहले डाल चुके हैं, 1 से 1.5 चम्मच पिसी मिर्ची का पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और मसाले को घोल कर तैयार करेंगे, इससे मसाले अच्छे से गल जाएंगे। अब इसमें जो हमने मसाला तैयार करके रखा था वो डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से पकने देंगे और ऑयल को ऊपर सेपरेट होने देंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे इसे। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है, अब इसमें दाल डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे, दाल हो गई है मिक्स। अब करेंगे गैस को हम बंद। इसे हम करते हैं सर्व। और ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी दाल बनकर हुई है तैयार। एक बार आप इसे ज़रूर बना कर देखें। यहाँ पर 1 चम्मच घी डालेंगे और इससे दाल का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसमें अगर मिर्ची भी ज़्यादा हो गई हो तो वो भी बैलेंस हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह दाल फ्राई ज़रूर बनाएं और कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।